बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स। में मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत आसान सी टिप लेकर आई हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल पड़ जाती है। जिन लोगों को सर्दियों में जिन लोगों का रंग बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लैकिश आना शुरू हो जाती है, और साथ साथ पाँव पर भी बहुत ज़्यादा ब्लैकिश आना शुरू हो जाती है, जूतियों के निशान पड़ जाते हैं, या कोई भी किसी भी जिस्म के किसी भी हिस्से पे जो भी ब्लैकिश हो या किसी भी तरह की डार्कनेस हो, तो आपको मैं उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप बताऊंगी और बहुत ही आसान भी है। उससे पहले मेरा चैनल जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, इससे आपको मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो गाइज़, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले लेना होगा बेकिंग पाउडर होता है एक, लेकिन एक होता है बेकिंग सोडा, आपने वो लेना है, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं। 2 चम्मच आप लोगों ने मीठे सोडे के ले लेने हैं, यानी कि बेकिंग सोडा। तरीके से मैं 1 और चम्मच इसमें ऐड कर दूंगी, और आपने इसमें 3 से 4 चम्मच कोकोनट ऑयल के डालने हैं। इसमें कोकोनट ऑयल यूज़ करना है। मैं 3 चम्मच ही इसमें डालूँगी, देख सकते हैं आप, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, बहुत अच्छा सा ये पेस्ट तैयार हो चुका है। अब आप लोगों को मैं बताऊंगी इसको यूज़ करने का तरीका क्या है। आप लोगों ने करना क्या है, कोई भी अपनी पसंद का कोई भी लोशन ले लें जो आप लोग यूज़ करते हैं, कोई भी। तो मैं यहाँ पर पॉन्ड्स का यूज़ करूँगी। आप लोगों ने रात को सोने से पहले इसको यूज़ करना है। अब मैं और बाउल ले लूँगी, और उसमें मैं ये 1 चम्मच पॉन्ड्स लोशन का डालूँगी इस तरीके से। और ये मैं 1 चम्मच पॉन्ड्स लोशन का, या जितनी भी क्वांटिटी में आपने इसको यूज़ करना है, ज़्यादा जगह पर लगाना है तो ज़्यादा क्वांटिटी ले लें आप लोग। और इसमें मैं आधा से भी कम इसमें ये मैं पेस्ट ऐड कर दूंगी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये अच्छा सा हमारा पेस्ट, एक क्रीम, वाइटनिंग क्रीम तैयार हो चुका है। अब इसको आप लोगों ने रात को सोने से पहले अपने फेस पर यूज़ करना चाहें, अपने हाथों पर, अपनी नेक पर, या अपने पाँव पर, कहीं पे भी जो जिस्म का जौन सा हिस्सा आपका ब्लैक हो रहा है, डार्क हो रहा है, तो आप इसको लगा सकते हैं इस तरीके से। मैं अपने देख सकते हैं आप लोग, पाँव पर जिस तरह के जूतियों के निशान पड़ जाते हैं, जो हिस्सा ब्लैक हो रहा है आप उस उधर लगा लें। सो गाइस, मैं इसको इस तरीके से अपने पाँव पर अच्छे से, इस तरीके से अपने हाथों पर लेकर इसको अच्छे से लगा लूँगी इस तरीके से। अब आप लोग जैसे कि देख सकते हैं मैंने लगा लिया है, इसी तरह मैं अपने हाथों पर, अपनी नेक पर भी लगा लूँगी, और रात को लगाकर सो जाऊँगी। सुबह आप लोग इसको वॉश कर सकते हैं, आप इसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं, सर्दियों में बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा ये। और अदरवाइज़ आप इसको इस शहद के अंदर मिक्स कर भी लगा सकते हैं, इस पेस्ट को आप शहद के अंदर भी मिक्स कर लगा सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बनेगा। तो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तो अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।